हाय, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है तो आज हम कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल शेक बनाएंगे। तो आज मैंने यहाँ पे बनाया है पार्ले जी बिस्किट का शेक। मेरी आज की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार में 6 पार्ले जी बिस्किट को तोड़ के इस तरह से ले लीजिए। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है मिल्क, उसके साथ ही ऐड करना है चॉकलेट सिरप। और उसके बाद इसमें ऐड करना है वनीला आइसक्रीम। अब सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो देख लीजिए, पार्ले जी शेक तो बनके तैयार हो चुका है। अब बारी है इसे सर्व करने की। सर्व करने से पहले एक ग्लास को चॉकलेट सिरप से इस तरह से कोट कर दीजिए। उसके बाद जो हमने शेक बनाया है उसे पोर कर दीजिए। ऊपर से थोड़ा आइसक्रीम ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे आलमंड और पिस्ता लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो आप ले सकते हैं। और ऊपर से एक बिस्किट लगा के इसे गार्निश कर दीजिए। तो फाइनली हमारा पार्ले जी बिस्किट का शेक बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो बहुत ही बनाना आसान है। तो आप भी अपने घर पे अपने बच्चों को पार्ले जी बिस्किट शेक बना के पिलाइए। और मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।